गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी जेईई और गेट एग्ज़ाम्स के लिए, एज वेल एज ईएससी एग्ज़ाम्स के लिए, जो यूपीएससी ईएससी के एग्ज़ाम होते हैं। और आज हम पहला लेक्चर शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ सिंपल स्ट्रेसिज एंड स्ट्रेंस। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, प्लीज़ गाइस। तो शुरू करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन से। जब एक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है, जैसे मान लो एक क्यूबिकल बॉडी ले लो, लाइक एक रबड़ ही ले लो, छोटा सा रबड़, ठीक है। अब उस रबड़ पे जब भी कोई फोर्स हम लगाएंगे, जैसे दो उंगली से उस रबड़ को दबाया जा रहा है, जो इरेजर है ना, उसको हम एग्ज़ाम्पल ले लो इरेजर की, सही है, तो उसको हम दो उंगलियों से साइडों से दबा रहे हैं, तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ रही है, मतलब उसकी शेप कुछ ना कुछ चेंज हो रही है ना गाइस। तो ड्यू टू कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के जो बीच में कोहेजन है, उसकी वजह से वो शेप चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए अब हम जब भी जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, तो वो वापस उसी शेप में आ जाता है, राइट। तो मतलब उस बॉडी ने उस जो डिफॉर्मेशन हो रही थी, शेप चेंज हो रही थी, उसको रोका, मतलब वो मॉलिक्यूल वापस अपनी अपनी जगह पे आ गए, ठीक है। दिस रेजिस्टेंस बाय विच द बॉडी रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये उसकी, मतलब जो हमने इरेजर लिया, उसकी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ ऐसे ही मानी जाती है। नेक्स्ट, विद इन सर्टेन लिमिट्स लाइक इलास्टिक लिमिट्स इन द केस ऑफ इरेजर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन ब्रॉट आउट ऑन द मटेरियल। जितनी ही उस मटेरियल ने रेजिस्टेंस दी, रोका, मतलब डिफॉर्मेशन को दबा, हमारे दबाने को रोका, वो किसके प्रोपोर्शनल है, जितनी उसके अंदर डिफॉर्मेशन आई, जितना हमने उसको दबाया और जितनी उसकी शेप चेंज हुई। मतलब हम कुछ दबा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं ना न्यूटन के अंदर, तो हर चीज़ न्यूटन के अंदर जा रही है, फोर्स लोड सब न्यूटन के अंदर है, ठीक है गाइस। तो आपको पता है कि किलोग्राम को न्यूटन में कैसे बदलते हैं, ठीक है गाइस। W इज इक्वल टू mg, मास किलोग्राम में है, ग्रेविटी उसको 9.81 के साथ मल्टीप्लाई करके न्यूटन में आंसर, ठीक है गाइस। बट बियॉन्ड द इलास्टिक स्टेज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज लेस देन द अप्लाइड लोड। बियॉन्ड द इलास्टिक स्टेज, अब उस रबड़ की इलास्टिक स्टेज ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, मतलब अब वो टूटने वाला है, उसके अंदर क्रैक आ रहे हैं, हम दबाए जा रहे हैं, अब हमें कम लोड लगाना पड़ेगा और उसके अंदर क्रैक्स बड़ी आसानी से आ जाएंगे और वो रेजिस्ट भी कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे गाइस स्ट्रेस, स्ट्रेस होती क्या है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, ये सिंपल है। अब द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, जो हम लोड दे रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है, उस जो क्यूबिकल एरिया है बॉडी का, क्यूबॉइड या क्यूबिकल, उसको ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा को डिनोट करेंगे, ठीक है, एज ए स्ट्रेस, और हम इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस भी कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। ये बराबर होता है लोड अपॉन एरिया, इसमें पी लोड लिया है, आप एफ फोर्स ले सकते हैं, लोड ले सकते हो, इट कैन बी फोर्स अपॉन एरिया और लोड अपॉन एरिया, ठीक है गाइस। तो इसका आप स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हो गाइस, आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है यूनिट्स, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे स्ट्रेस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑफ लोड, कौन सा लोड ले रहे हैं, न्यूटन या किलो न्यूटन, ठीक है गाइस। अगर न्यूटन नीचे एरिया किसमें ले रहे हैं, या तो mm स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और तो स्ट्रेस के यूनिट्स क्या हुए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। द 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10^-6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्यों, एक मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं और एक न्यूटन के अंदर, एक किलो न्यूटन के अंदर 1000 न्यूटन होते हैं, ठीक है गाइस, ये आपको सबको पता है। और mm स्क्वायर के अंदर, एक मीटर के अंदर 1000 mm, तो mm मीटर स्क्वायर के अंदर कितने mm होंगे, 10^-6, ठीक है, ओके गाइस। नेक्स्ट, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल भी कह देते हैं हम, ठीक है।
क्योंकि प्रेशर के यूनिट गाइस पास्कल भी होते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होते हैं, इसलिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कह देते हैं। कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर पास्कल लिखा आ जाता है, MPa, KPa, तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट 1 MPa मेगा पास्कल, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो मेगा पास्कल क्या हुआ, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। और 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको ऊपर बताया मैंने 10 की पावर -6 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो 1 MPa क्या हो गया, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपके पास 6 MPa किसी की वैल्यू है तो 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिंपल गाइस। एक बार फिर कह रहा हूँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के अंदर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, द स्ट्रेस में भी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब स्ट्रेस कई तरह की हो सकती है, या तो दबाने वाली स्ट्रेस, या खींचने वाली स्ट्रेस, या उसको फाड़ने वाली स्ट्रेस, ठीक है। दो तरफ से लोड लगेगा, जैसे हमने इरेजर को पहले दो तरफ से दबाया था, अब किसी बॉडी पे किस तरह की स्ट्रेस एक्ट कर सकती है उसकी डिटेल। कंप्रेसिव स्ट्रेस पहली है, जो ये दबाने वाली स्ट्रेस, ये कौन सा है, दो इक्वल लोड्स लगते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन, जो बॉडी की लेंथ कम कर देते हैं और विड्थ बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन टू इक्वल फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो दो इक्वल लोड्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, टेंसाइल केस के अंदर, जो ऊपर वाला केस है आप पिक्चर में देख रहे हो गाइस, उसके अंदर आउटवर्ड फोर्स लग रही है सिग्मा, जो स्ट्रेस है, तो व्हेन टू इक्वल फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आउटवर्ड गिव्स अ पुल आर कॉल्ड टेंसाइल फोर्सेस। इन दिस काइंड ऑफ फोर्स लेंथ ऑफ बॉडी इज इंक्रीज। अब लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज करेगी और विड्थ डिक्रीज करेगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस शीयर स्ट्रेस। अब द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच आर एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस रेजिस्टिंग सेक्शन। अब रेजिस्टिंग सेक्शन, जो भी रेजिस्ट कर रहा है कोई सेक्शन फोर्स को, एक स्ट्रेस अंदर की तरफ लग रही है, दूसरी बाहर की तरफ लग रही है, अब उसको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है गाइस। जैसे हम टोर्जन होती है, किसी को घुमाते हैं और फाड़ते हैं, जैसे हमने पेपर को पकड़ा और ऊपर से फाड़ दिया, एक स्ट्रेस दूसरी तरफ थी और एक स्ट्रेस अपनी तरफ थी, तो उससे क्या होएगा, पेपर टियर ऑफ हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बॉडी टेंड्स टू शीयर अक्रॉस द सेक्शन, ठीक है, इट इज़ नोन एज शीयर स्ट्रेस। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, ठीक है गाइस, ये उसका सिंबल है। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है गाइस, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, देयर इज सम चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी। जैसे हमने देखा कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर हम बॉडी को खींच रहे हैं, ठीक है, ओ सॉरी दबा रहे हैं, सॉरी, अब दबाने से उसके अंदर कुछ लेंथ में चेंज आया, कितना चेंज आया लेंथ में, अगर हमने उसको दबाया तो थोड़ा चेंज आया, ठीक है, अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ, अगर उसकी पुरानी लेंथ से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया तो स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं है, ठीक है। इसको हम एप्साइलन से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एप्साइलन। इट द रेशियो ऑफ चेंज और डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन भी कई तरह की होती है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है गाइस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अलॉन्ग, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल टेंसाइल लोड, अब पुल कर रहे हैं उसको, उसकी लेंथ बढ़ रही है, टेंसाइल लोड, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, बट एट सेम टाइम देयर इज डिक्रीज इन द अदर डायमेंशन एट द राइट एंगल टू द अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है उसके राइट एंगल में, मतलब ऊपर की तरफ उसकी जो डायमेंशन है वो डिक्रीज हो रही है गाइस, तो उसको क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज लेटरल स्ट्रेन, मतलब दूसरी तरफ, अब जैसे देख लो इसको, ये बैंड खींच रहा है एक आदमी, ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो बढ़ रही है पर लेटरल स्ट्रेन कम हो रही है, मतलब लेटरल स्ट्रेन क्या हुई, माइनस में कम हो रही है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ रही है लेंथ, तो द लेटरल द स्ट्रेन डैट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन, ठीक है गाइस। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव होगी, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव है तो लेटरल स्ट्रेन पॉजिटिव होगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है शीयर स्ट्रेन, द चेंज इन लेंथ टेंजेंशियल टू द एरिया ऑफ द ब्लॉक टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेन। अब जब हम किसी को शीयर करते हैं दो ऑपोजिट फोर्सेस लगा के, जब उसमें चेंज इन लेंथ आता है, ठीक है, उसकी बॉडी का, तो अपॉन द ओरिजिनल लेंथ और हाइट कह सकते हैं, जैसे हम ऊपर से उसको पेपर को फाड़ रहे हैं तो उसकी हाइट में जो चेंज आया तो उसको कहते हैं शीयर स्ट्रेन, ठीक।
नेक्स्ट गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हुक्स लॉ। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। हुक्स लॉ इट स्टेट्स डैट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, नीचे नीचे की तरफ स्ट्रेन है, ऊपर की तरफ स्ट्रेस है। स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं गाइस अगेन, एंड स्ट्रेन के यूनिट नहीं होते। नेक्स्ट, अब ये एक जैसे ही हम स्ट्रेन दे रहे हैं, मतलब उसको खींच रहे हैं, कुछ हद तक स्ट्रेस भी साथ साथ उसमें लग रही है। ठीक है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेन दे रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, पर आफ्टर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कुछ हद तक वो लगेगी, उसके बाद मटेरियल एकदम से लंबा हो जाएगा। जैसे कि हम उसको खींचेंगे तो एकदम से वो टूट जाएगा, उसके बाद फिर ग्राफ एकदम से बढ़ गया और उसके बाद नीचे आ गया, टूट जाएगा वो, फेलियर हो जाएगा उसका। ठीक है गाइस, तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट विद इन दी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब इन द इलास्टिक लिमिट जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी उस वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगी, इसको कहते हैं गाइस हुक्स लॉ। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। अब द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेस टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज नोन एज इज कॉन्स्टेंट। अब जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हमने पीछे पढ़ा हुक्स लॉ के अंदर, अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नीचे एक साइन आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्साइलन। अब सिग्मा अपॉन एप्साइलन करेंगे तो कैपिटल ई, इसको क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेस टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट। द रेशियो इज नोन एज यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, जो ऊपर आप ग्राफ देख रहे हैं वो किसका है गाइस, स्ट्रेन का है, शीयर स्ट्रेन का। जैसे ही हमने बॉडी को मूव किया कुछ लेंथ के लिए, शीयर फोर्स के साथ वो डेल्टा एक्सचेंज हुई उसकी लेंथ। ठीक है गाइस, और उसकी अलोंग द ओरिजिनल लेंथ जो एल थी उससे शिफ्ट हुई डेल्टा एक्स, तो शीयर स्ट्रेन गामा से डिनोट करते हैं, ये क्या आ गई, डेल्टा एक्स बाय एल। ठीक है गाइस, चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। नेक्स्ट हम एक फैक्टर लेते हैं गाइस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्ट्रेस वो बॉडी ले रही है फेलियर होने से पहले, अपॉन दी परमिसिबल स्ट्रेस कितनी उसको देनी चाहिए विदाउट फेलियर, डेट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब ताकि वो टूटे ना, तो अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाएगी ऑटोमेटिकली गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉइजन रेशियो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा जाता है गाइस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। ठीक है, व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ये म्यू का साइन है, म्यू का है, एम यू लिख लो म्यू। ठीक है गाइस, एन यू न्यू नहीं है, ये एम यू म्यू है, म्यू का साइन है। इट इज़ नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर पॉजिटिव होगी, आपको मैंने बताया था, अगर खींच की तरफ से, तो लेटरल स्ट्रेन घटेगी उसकी दूसरी तरफ से 90 डिग्री ऑफ लोड से घटेगी, तो माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इट इज़ कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो गाइस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, ऐसे हम गाइस बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इवन आफ्टर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम और भी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल करेंगे, और आपको हर तरह के न्यूमेरिकल मैं प्रोवाइड कराऊंगा गाइस, हर तरह के। सो प्लीज़ ध्यान से आप इसको डेली विजिट करना चैनल को, और इस पर डेली आपको लेक्चर्स अपलोड मिलेंगे। ठीक है गाइस, जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे और आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर देंगे। तो हम फर्स्ट बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, इसमें है गाइस, फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील वायर व्हिच इज़ यूज्ड टू रेज अ लोड ऑफ 4000 न्यूटन इफ़ द स्ट्रेस इन द रोड इज़ नॉट एक्सीडेड बाय 95 MN/m². मतलब एक स्टील वायर का डायमीटर निकालना है जो 4000 न्यूटन कैरी कर लेगी, 4000 न्यूटन का लोड को। ठीक है, उसका डायमीटर निकालना, कितने डायमीटर की तार चाहिए होगी। ठीक है, अगर उसके अंदर स्ट्रेस 95 MN/m² से एक्सीड ना करे तो,
तो गिवन क्या है गाइस, लोड पी इज इक्वल टू 4000 न्यूटन, सिग्मा दिया हुआ है हमें 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा क्या होता है, 10 की पावर 6, तो हमने लिख लिया साथ में ही 95 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मेगा हमने आपको बताया था 10 की पावर -6 जो होता है, न्यूटन से एमएम में जाना हो तो आएगा, तो फिर हम मेगा न्यूटन को ये भी लिख सकते हैं, 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब डायामीटर नीचे स्ट्रेस के अंदर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो नीचे से गाइस डायामीटर ऑफ वायर इन एमएम में लेंगे। ठीक है, तो डी क्या हो गया, डायामीटर ऑफ वायर इन एमएम, एरिया क्या हो गया गाइस, 5/4 d²। अब एरिया तो होता है गाइस वायर का πr². ठीक है, अब आर की जगह हम d/2 पुट करेंगे तो एरिया आ जाएगा 5/4 d². सो स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं उसको, लोड अपॉन एरिया कहते हैं, इज इक्वल टू P/A, मीन्स लोड अपॉन एरिया। अब सिग्मा की वैल्यू पुट की हमने, 95 इज इक्वल टू लोड की वैल्यू 4000, नीचे π/4 d², पाई नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, × d² नीचे। अब डी स्क्वेयर को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट की तरफ, 4000 × 4/π × 95, जो 95 सिग्मा था वो नीचे आ गया, इसकी वैल्यू गाइज आएगी सॉल्व करके कैलकुलेटर पे 53.62। पाई की वैल्यू गाइज न्यूमेरिकल में हम लेते हैं 3.141। ठीक है गाइज, SSC JEE मेंस के अंदर भी यही लेंगे और गेट एग्ज़ाम के अंदर भी यही लेंगे, 3.141। ठीक है, वैसे तो गेट एग्ज़ाम के अंदर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें पाई सीधा भी डिनोट किया होता है, आप सीधा पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अब डी की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 53.62, इट विल बी 7.32 mm, डायमीटर ऑफ वायर इज 10, 7.32 mm। नेक्स्ट न्यूमेरिकल गाइस, प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए गाइस अपने दोस्तों को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द सेफ स्ट्रेस फॉर ए होलो स्टील कॉलम विच कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 2.1 × 10³ kN। लोड की वैल्यू दी हुई है, तो सेफ स्ट्रेस क्या है उसकी, 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ द एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ द कॉलम इज 30 cm। अब ये होलो कॉलम है ना, बीच में से खाली है, तो आपको पता है होलो सर्कल सिलेंडर का एरिया क्या होता है, होलो सर्कल का सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं ना, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो होलो सर्कल का एरिया क्या होगा, π/4 D² आउटर डायामीटर माइनस स्मॉल d² इनर डायामीटर। ठीक है गाइस, तो इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 30 cm, डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर। अब इंटरनल डायमीटर हमें ढूंढना है, उसका इंटरनल डायमीटर कितना होगा, मतलब उसकी मोटाई कितनी होगी कॉलम की, ये भी पता चल जाएगी। तो गिवन क्या है हमें डाटा, सिग्मा 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं सीधा, 125 × 10⁶ N/m², क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू तो मीटर से सेंटीमीटर आना भी आसान रहेगा। लोड की वैल्यू क्या दी हुई है, 2.1 × 10³ kN, इसको हमने 1 किलो न्यूटन में 10³ न्यूटन होते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2.1 × 10⁶ N। नेक्स्ट गाइस, टी हमें दिया हुआ है 30 cm है आउटर डायमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.3 मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू हमें पता करनी है, इंटरनल डायमीटर जो होलो सेक्शन का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं ना स्ट्रेस में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, ए इज इक्वल टू π/4 D² - d² इज इक्वल टू π/4 × 0.30, जो हमने मीटर में वैल्यू निकाली है, 0.30 का स्क्वायर - d² हमें पता है कि सिग्मा जो स्ट्रेस होती है वो लोड अपॉन एरिया होती है, स्ट्रेस की वैल्यू भी दी हुई है, पुट करोगा इस 125 × 10⁶ इज इक्वल टू, लोड की वैल्यू भी दी हुई है 2.1 × 10⁶, डिवाइड करेंगे π/4 × 0.30 का स्क्वायर - d का स्क्वायर। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस इसका, और आप इसको एज ए नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, अब नीचे करेंगे सॉल्व, 0.09 - d² हो गया इज इक्वल टू 213.9 × 10⁴, ये दूसरी तरफ वैल्यू आ गई। अब डी स्क्वेयर को हम इधर ले जाएंगे, 0.09 - 0.2139,
ठीक है गाइस, इसको हमने लिख लिया। अब डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.06861। अब डी की वैल्यू आ गई गाइस अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। नाउ डी की वैल्यू आ गई मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में लिया था गाइस कैपिटल डी। तो अब स्मॉल डी की वैल्यू आ गई 0.2619 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 26.19 सेंटीमीटर ये इनर डायमीटर आ गया गाइस। 30 बाहर वाला था, बाहर वाला। अब अंदर वाला 26.19 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इसकी मोटाई भी पता चल गई हमें, ठीक है। कैपिटल डी में से माइनस डी पता करेंगे तो वो मोटाई आ जाएगी, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस अगेन फॉर व्यूइंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू गाइस।